वहीं इसी कड़ी में 3 दिनों से चल रहे राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का बीती शाम रंगारंग समापन हुआ। इस दौरान खेल मंत्री उमेश पटेल, युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्य गुरुचरण सिंह होरा ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर पारंपरिक विधाओं के खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला। 14 पारंपरिक खेलों में सबसे छोटी उम्र की 6 वर्षीय बालिका ने फुगड़ी और 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुकारोबाई ने गेड़ी दौड़ में हिस्सा लिया। इस स्पर्धा के लिए बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में फुगड़ी बिल्लस भवरा बाटी और माधवराव सप्रे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कबड्डी, छत्रपति शिवाजी महाराज आउटडोर स्टेडियम में संखली रस्साकशी, लंगड़ी पिट्ठूल गेड़ी दौड़, खो खो और गिल्ली डंडा आयोजित हुआ। वही स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की गई। इन खेलों के विजेता खिलाड़ियों को खेल मंत्री उमेश पटेल, युवा आयोग अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और भारतीय ओलंपिक संघ सदस्य गुरुचरण सिंह होरा ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर उमेश पटेल और गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि राज्य में छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य स्तरीय स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। बहुत अच्छा। फर्स्ट ईयर हम लोगों ने ये नया प्रयोग किया था, नया एक प्रतियोगिता आयोजित की थी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम से। फर्स्ट ईयर था तो एक नया एक्सपीरियंस था, कहीं कहीं कुछ त्रुटियां भी हुई हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, और वो त्रुटियों से हम सीख रहे हैं और अगले साल वो त्रुटियाँ नहीं होंगी और अच्छे से प्रतियोगिता ये होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक संघ का समापन समारोह माननीय उमेश पटेल जी, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और खेल विभाग के सभी अधिकारीगण, एक्का साहब, ACS मैडम रेणु पिल्ले, श्वेता सिन्हा, प्रणव सिंह, सबकी मेहनत के कारण आज ये इतना बड़ा आयोजन संभव है। इसमें सबसे बड़ा अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़िया चीज को एक ऐसे रूप में स्थापित किया खेल के माध्यम से। पूरे इस अक्टूबर से लेकर अभी तक जो खेल हुए हैं उसमें 26 लाख लोगों ने भाग लिया और आज 1010 लोगों ने प्राइज़ मिला, और मुख्यमंत्री जी ने क्लस्टर लेक्सल ब्लॉक लेवल के लेके सब लोगों को इनाम देने की घोषणा की, तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है।